प्रॉफिट के टाइम में कॉन्डम नहीं थी, प्रॉफिट के टाइम में बर्थ कंट्रोल पिल नहीं थी। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर सेहत की बिना पर आ जाए, नहीं अगर सेहत नहीं है मैं करना चाहती हूँ, मैंने कहा सेहत छोड़िए, मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे एक या दो ही बच्चे हो, मैं बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। बर्थ कंट्रोल ओके है, हर मुस्लिम उसे अपना सकता है, जनसंख्या नियंत्रण में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है, दो दो चार चार छह छह बच्चे अल्लाह की नेमत समझ के पैदा करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम में कहीं भी बर्थ कंट्रोल को लेकर कुछ भी नहीं इस तरह से हराम बताया गया है। बर्थ कंट्रोल ओके है, हर मुस्लिम उसे अपना सकता है, जनसंख्या नियंत्रण में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, दो दो चार चार छह छह बच्चे अल्लाह की नेमत समझ के पैदा करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम में एबॉर्शन करवाना हतई तौर पर हराम है, क्योंकि वो एक जान को जो है खत्म करने के बराबर कहा जाता है। अब रहा सवाल कि आप कह रही हैं कि जनसंख्या पर कंट्रोल करने की बात, बर्थ कंट्रोल पिल मेजर्स कॉन्डोम पिल्स ये तमाम चीजें, खाना भी गलत है, इस्तेमाल भी गलत है। देखिए जो चीज शरीयत बोलेगी एक मुसलमान पर वो चीज लाजिम होगी, समझ रहे हैं आप। और सर, प्रॉफिट के टाइम में कॉन्डम नहीं थी, प्रॉफिट के टाइम में कॉन्डम नहीं थी, प्रॉफिट के टाइम में बर्थ कंट्रोल पिल नहीं थी, तो फिर उसको लेके कैसे वहां पर कुछ लिखा हो सकता है। मैं आम आदमी की तरह से समझना चाहती हूँ, आप मुझसे बेहतर कुरान हदीस और इस्लाम को जानते हैं। सेहत छोड़िए, मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे एक या दो ही बच्चे हो, मैं बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, या मजबूरी वश अबॉर्शन भी करना चाहते हैं, तो ये सब हराम है। नहीं, इस्लाम में इस बात की कतई तौर पर इजाजत नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मुस्लिम समाज की बहनें जीवन नहीं जीती, वो तो मशीन बनकर रह गई हैं, उनका मुझे बहुत तकलीफ है। 28 साल की उम्र में चार बच्चे और उसका पति का मतलब डेथ हो गई। अब बताइए वो क्या जी, क्या जिया उसने, और सिर्फ एक कमरे में जिसमें जेठ भी रहते हैं, जिसमें नंदे भी रहती हैं, क्या जीवन जिया उस बच्ची ने बताइए। और ये एक का हाल नहीं है, ये तो मैं एक बहुत ही मेरे नज़दीक ही एक महिला है जिसके साथ ये घटना घटी, लेकिन यही हाल उन लोगों का, ये इन महिलाओं का, वो जीवन जीती नहीं है बेचारी, वो कहते हैं ना बस गुजर रही। कारी साहब, आपका तरन्नुम भी इतना खूबसूरत है, आपके बच्चे भी इतने प्यारे हैं, आपकी बीवियां भी इतनी प्यारी हैं, आपने टोपी वाले बुरके इनको पहनाए, सबसे बड़ा 37 साल का, सबसे छोटा 2.5 माह का, 36 साल और 9.5 माह के गैप में आप मुझे बताएं आप थके क्यों नहीं आए हुआ। हमारी सब औलादों को अल्लाह कयामत तक तौहीद पे कायम रखना, ताकि इन सारी की सारी लड़ियां कयामत तक जन्नती लोगों की चलती रहे, हमें अजर मिलता रहे। वाह 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 वाह, मुझे बताइए ये 28 बच्चों की जो लिस्ट है, इसको आपने 50 पर लेकर जाना है या 50 प्लस का कोई इरादा है? क्योंकि अल्लाह दी देन है, अल्लाह दी देन है, अल्लाह तबारक व तआला जिन्हू चाहे लेना ही ला देवे। माशाल्लाह सर, 28 बच्चे, माशाल्लाह चार बीवियां, सबको टोपी वाले बुर्के बनाए हुए, इसकी वजह क्या है? सही पर्दा इसी में है, दूसरे में मुकाम रुकू में पर्दा सही नहीं। आपकी उम्र कितनी है? 28 बच्चे तो होगी तकरीबन 18-20 साल। नहीं, वो तो आपकी जिस्मानी उम्र है। ये मेरा बेटा जो है ना, मेरे से 17 साल छोटा है। बड़े बेटे की उम्र कितनी है? 37 साल। जो सबसे छोटा बच्चा है इस वक्त, ये जो गोद में है, ये जी जी, इसकी 2.5 माह। सर, ये 36 साल और 9.5 माह का गैप है, आप थकते नहीं है? ये केड़ा मसला है, ये अल्लाह ताला दी अता है, इतने बंदे दे थकड़ थुकड़ दी केड़ी गल है? ये चारों एक ही छत तले आपने रखी है, ये कैसे मुमकिन किया? ये अल्लाह ताला का मेरे पे एहसान है। 70% की मीगर पॉपुलेशन मुस्लिम्स की, आप सारा ओनस देश की जनसंख्या पे उस पर। नैरेटिव क्या है कि 10 बच्चे अल्लाह की देन है और फिर बेरोजगारी मोदी की देन है? जी, यही इन्होंने नैरेटिव बना के रखने का प्रयास करते हैं। साहब 40-20 बच्चे नहीं होते, चार बीवी तो होती है ना? नहीं होती, होती है ना? आप लीजिए, नहीं होती है। एक मुसलमान जिसकी चार बीवियां हैं, आजकल बड़ा न्यूज में है इमरान खान, जहां मुसलमानों का शासन हो जाएगा वहां चार बीवी जरूर होगी, कोई कानूनी रोक नहीं है। तारिक फतेह साहब, देखिए मौलाना कादरी साहब कह रहे हैं कि मुझे आप समझा दीजिए, क्या इस्लाम कहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, धर्म का प्रचार प्रसार करो, कहीं ऐसा लिखा इस्लाम में? कि एक आम हिंदुस्तानी जो इस्लाम को शायद उतना नहीं जानता, कुरान नहीं पढ़ी होगी, हदीस नहीं पढ़ी होगी, तो क्या माने वो? क्या इस्लाम कहता है कि भाई ज्यादा बच्चे पैदा करो? क्या इस्लाम कहता है कि अगर आप बर्थ कंट्रोल के लिए जो भी ऑप्शंस है उन्हें इस्तेमाल करोगे तो वो हराम है, वो गलत है? क्या ऐसा कहीं इस्लाम में लिखा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं।
ये तो हमें जिन इस्लाम के शरीयत के और ये जो फिरके बना के रोका हुआ है कि इंजेक्शन मत लगाओ तो ये हो जाएगा, बहुत कुछ हमने देखा है। पोलियो में लोग लाखों मर गए इस चक्कर के अंदर क्योंकि मौलाना साहब ने कह दिया कि ये जरा ये हराम है, ये वेस्ट की तरफ से आया है। आज एवरेज एज है 25 से 27 साल, क्योंकि कुछ शहरों में रहने वाले 30-30 पे करते हैं तो गांव में कोई 20-22 पे भी कर रहा है, तो एवरेज नेशनल एवरेज है 25 साल। कोई 25 साल पे शादी करने के बाद उसी साल बच्चा पैदा करना चाहे तो भी कितना साल हो गया, 26। लेकिन सामान्यतः सब लोग शादी के बाद 2 से 3 साल का गैप लेते हैं, मतलब 30 उम्र में जाकर हिंदू का बच्चा दूसरा बच्चा पैदा करता है और मुसलमान का बच्चा 14 में शादी करके 15 में पहला बच्चा पैदा करता है। तो मुझे बताइए, ये एक ने 15 में बच्चा पैदा शुरू कर दिया, दोनों जब जन्म लिए थे तो दोनों का डेट सेम है, चलिए 3 जनवरी को एक हिंदू पैदा हुआ एक मुसलमान पैदा हुआ, लेकिन मुसलमान ने 15 साल में ही बच्चा पैदा करना शुरू किया और हिंदू 30 साल बाद पैदा करेगा, तो संख्या में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ही, तो क्या ये असमानता चलेगी? इसलिए इस कानून में हम एक प्रावधान को और जोड़ते हैं कि शादी की उम्र भी हिंदुस्तान के सारे समाज धर्म के लोगों के लिए एक जैसी होनी चाहिए और साथ में एक से ज्यादा शादी करने की छूट नहीं होनी चाहिए। आज हम आपको पाकिस्तान के ऐसी फैमिली से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने 15 साल में 15 बच्चे पैदा कर दिए। जब इनसे रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, बच्चे तो अल्लाह की देन है, इंशा अल्लाह हम रुकेंगे नहीं। देखे ये वीडियो। औरतां भी थक जांदियां ने, वो भी कहंदियां ने कि नहीं हुण बस ते औरतां नहीं थकदियां, औरतां कहंदियां ने बार बार आवे। अलैकुम सलाम आपी जी, की हाल है? अल्लाह दा शुक्र, होर बढ़िया। मैं ठीक, ते मैं दसो इत्थे ही रहंदे हो तुसी जुग्गियां दे विच? जी जी, आ सामने मेरा मकान है। अच्छा, आ मेरी बेगम खड़ी है। अच्छा, आ मेरे बच्चे ने छोटे छोटे। किन्ने बच्चे तुहाडे? माशाल्लाह जी, पता ही नहीं अल्लाह ने किन्ने दिते, आज जिन्ने भी आ तुहाडे सामने ना। बच्चे उधर मुंह कर, उधर कर, उधर कर। जी 15 बच्चे। ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है बोल बोल कर 10-15 बच्चे पैदा करते हैं और बाद में ये हाल होता है उनका। की कमाई कितनी है? 17,600 सैलरी है और 17,600 घर नहीं चलता भाई। लोग इतने मजबूर हो गए ना कि अपने बच्चों को जाने के ना फेंकने के लिए तैयार है। तनख्वाहें कम है, ऊपर से बेरोजगारी भी है। अलग बेरोजगारी है, महंगाई है, हर चीज दिन ब दिन, हर कोई चीज इनके कंट्रोल में नहीं है। गरीब आदमी के लिए 100 रुपए किलो चीनी सुनना भी एक वो है, किस तरह बच्चों को पालेगा, शाम की चाय, सुबह का नाश्ता, आटा इतना महंगा, क्या किया जाए फिर? चीनी पत्ती आटा, ये घर में कम से कम ये अशिया तो हर वक्त चाहिए होती हैं। चलो बच्चों को चाय पराठे ही खिला दे गरीब आदमी, तो ये भी नहीं खिला रहा, ये भी छीने ले रहे हैं। बिजली तो आई नहीं रही, बिजली आ कब रही है? 24 घंटे बिजली गायब है, बिजली आ कब रही है? गैस का भी इतना आ रहा है, गैस भी नहीं आ रही, गैस भी नहीं आ रही, गैस भी इतना परेशान कर रहा है, पूरा पूरा दिन गैस नहीं आती, सुबह परेशान, बाहर का नाश्ता कब तक करते? देश में बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर इसे नियंत्रित करने के कानून की मांग समय समय पर उठती रही है। देश का एक बड़ा वर्ग सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन एवं धार्मिक वजहों से परिवार नियोजन का सहारा नहीं लेता है। इस कारण अपना परिवार 1-2 बच्चों तक सीमित रखने वाला दूसरा वर्ग उन लोगों को देश के संसाधनों पर बोझ की तरह मानता है जो अनगणित बच्चों पैदा करते हैं। उधर राजनीतिक जगत से भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग उठती रही है। खासकर वर्ष 2014 में बीजेपी की अगुवाई वाली NDA सरकार के केंद्र की सत्ता में आने के बाद यह मांग जोरों से बढ़ने लगी। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर असम और उत्तर प्रदेश के बाद अब केंद्र सरकार कानून लाने की तैयारी में है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्यसभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी, हरिनाथ सिंह यादव और अनिल अग्रवाल की ओर से बिल को पेश किया जा सकता है। ऐसे में मानसून सत्र में इस पर चर्चा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा में पेश किए गए जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत 1 बच्चों वाले परिवारों को और उससे अधिक बच्चे वाले परिवारजनों को कैसी सुविधा मिलनी चाहिए, इसका उल्लेख होगा। बिल के मुताबिक 2 से अधिक बच्चों वाले माता पिता को पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी, यहाँ तक कि राजनीतिक दल का भी गठन नहीं कर सकेंगे और न तो पार्टी पदाधिकारी बन पाएंगे।
इसके अतिरिक्त स्कूलों में जनसंख्या नियंत्रण के विषय में पढ़ाया जाएगा। इसीलिए भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना अति आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंगलवार को कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जल्द ही कानून लाया जाएगा। उन्होंने कहा, जल्द ही इसे लाया जाएगा, चिंता मत करो, जब इस तरह के मजबूत और बड़े फैसले लिए गए तो बाकी भी ले जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून के बाद मोदी सरकार जल्द ही समान नागरिक कायदा लागू करने वाली है। दोस्तों, यह खबर सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इसकी कितनी जरूरत है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।